हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिताज किचन अगेन। आज नमिताज किचन में मैं आपके साथ व्रत स्पेशल रेसिपीज़ में आपके लिए पोटैटो वेफर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम पोटैटो वेफर्स बनाएंगे जो कि आप व्रत में इजीली बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। नॉर्मली हम पोटैटो चिप्स मार्केट से ख़रीद करके खाते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। घर में उतने ही प्राइस में आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत ही टेस्टी पोटैटो चिप्स आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बड़े साइज़ के पोटैटोज़ ले लिए हैं। अब मैं इसको पील कर लूँगी। मैंने इन पोटैटोज़ की स्किन को पील कर लिया है। आप इस तरह का एक पोटैटो स्लाइसर ले लेंगे और उससे हम आलू के पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे। इस तरह से आलू को रखिए और इसके पतले पतले स्लाइसेस कट कर लीजिए। मैंने पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए हैं। इसी तरह से दूसरे पोटैटो के भी मैं स्लाइसेस कर लूंगी। तो अब इन पोटैटो वेफर्स को मैं इस पानी में डाल दूंगी ताकि ये आलू जो है वो काले नहीं पड़े। इन सारे पोटैटो चिप्स को पानी में डाल दीजिए। अब इन पोटैटो चिप्स को हम अच्छे से 2 से 3 बार फ्रेश वाटर में वॉश कर लेंगे, जिससे इसके अंदर जो स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाएगी। और अगर इसकी स्टार्च अच्छे से निकल जाएगी तभी ये क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे। तो अब मैं इसको 3 से 4 बार फ्रेश वाटर से अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब इन पोटैटो चिप्स को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से फ्रेश वाटर से वॉश कर लिया है और इसकी स्टार्च जो है वो अच्छे से निकल चुकी है। और ये देखिए, बिल्कुल साफ पानी इसके ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्टार्च अब निकल चुकी है। अब हम इस पानी को छान लेते हैं। अब इन चिप्स का पानी मैंने अच्छे से छान लिया है। इस तरह से प्लेट के ऊपर हम किचन टॉवल फैला देंगे या फिर आप कोई कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं और उसके ऊपर इस तरह से एक एक करके सारे चिप्स फैला दीजिए। और इसको हम फिर थोड़ा सा सूखने के लिए रख देंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। नहीं रहेगा और ये गीले गीले से रहेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि इनका एक्स्ट्रा वाटर जो है वो अच्छे से सूख जाए। तो इस तरह से सारे चिप्स को इस तरह से अलग अलग करके आप कपड़े पर बिछा दीजिए। हमने ये सारे चिप्स कपड़े के ऊपर से रख दिए हैं। अब हम इसको किचन टॉवल से अच्छे से इस तरह से प्रेस करते हुए इसके एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ देर के लिए इसको फैन के नीचे रख देंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से सूख जाए। तो इसको अब मैं फैन के नीचे रख देती हूँ। जब तक हमारे चिप्स सूखते हैं तब तक हम कढ़ाई में ऑयल डालकर उसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे तब तक हमारे चिप्स भी रेडी हो जाएंगे। तो अब इनको मैंने 15 मिनट तक फैन के नीचे रख दिया था, तो ये आलू का सारा पानी जो है वो अच्छे से सूख चुका है और ये देखिए कितने खिले खिले से नज़र आ रहे हैं। तो अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा ऑयल जो है ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दिया है और एक एक करके हम इसमें अपने पोटैटो वेफर्स इस तरह से डाल देंगे। एक टाइम में आप जितने वेफर्स डाल सकते हैं उतने डाल दीजिए। और इसको हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। और इसको हम कुरकुरे होने तक इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये धीरे धीरे इनका कलर जो है ये चेंज हो रहा है और ये लाइट ब्राउन से कलर में हो रहे हैं। तो बस इसको मैं 1 मिनट तक और फ्राई करूंगी और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये देखिए, अब ये चिप्स बनकर के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं इस तरह से छन्नी में। इस तरह से इसका ऑयल अच्छे से छान लीजिए और इसको किसी टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए, इससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसी तरह से बाकी के चिप्स भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, क्रिस्पी और क्रंची पोटैटो वेफर्स बनके रेडी हो गए हैं। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा सेंधा नमक इसमें डाल दीजिए और आप चाहें तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल देते हैं, इससे ये और चटपटे हो जाएंगे। ये वेफर्स हमारे तैयार हो गए हैं। तो इन नवरात्रों पर आप मार्केट से वेफर्स मत खरीदिएगा, घर में ही बना लीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं।
बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वेफर्स बनाने से पहले आलू का जो सारा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए, एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, तभी ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो इन नवरात्रों में इन चिप्स की रेसिपी को एंजॉय करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता दी।